जी माँ, जो यहाँ पर है, जो भी ऑफिशियल प्रोसेस होता है रिटायरमेंट से पहले, वो अपना सारा कार्यभार ट्रांसफ़र कर रही है। और माँ को विदाई देने के लिए इतने सारे लोग बाहर जमा थे, पूछिए मत, काफ़ी अच्छा लग रहा था और हमें काफ़ी प्राउड फील हो रहा था। माँ को देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा भावुक हो गई थी। नमस्कार जी, स्वागत करते हैं हम आपका नए ब्लॉग में। आज आप देख रहे होंगे कि मैं जिया को उठा रहा हूँ, जो कि काफ़ी कम ही होता है। तो जी, बात यह है कि आज बेहद ही खास दिन है। वीडियो के टाइटल से आपको मालूम चल गया होगा कि आज का दिन हमारे लिए कितना खास है। तो इस चीज़ को लेकर के मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड था कि रात भर मैं ढंग से सो नहीं पाया और जल्दी ही उठ गया और जिया को भी उठा दिया। तो जिया यहाँ तैयारी कर रही है, अपने कपड़े चुन रही है क्या पहन कर जाएगी। फिर जी वह अपने कपड़े चुनी और तैयार होकर ये देखिए निकल रही है। चलिए, आज माँ का जो है विदाई समारोह है, तो हम लोग वहीं पर जा रहे हैं उस समारोह को अटेंड करने। पहले तो डिसाइड हुआ था कि हम सभी फैमिली मेम्बर्स मिल करके जाएंगे, लेकिन पापा का कोर्ट में अचानक से डेट आ गया और मेरे भाई के कमर में दर्द आ गया। तो फिर हम और जिया ही सिर्फ वहाँ जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। जिया भी इतनी खुश थी, मैंने तो एक बार जिया को कहा कि मत जाओ, तुम थोड़ा थक जाओगी, क्योंकि कुछ दिन बाद फिर हम लोग को तुम्हारे कॉलेज में जाना है और कॉलेज के बाद फिर हमें ट्रिप पर निकल जाना है। लेकिन जिया ने तो एक भी ना सुनी, उसने तो ठान रखा था कि उसे जाना ही है। मैंने कहा कि बीमार पड़ जाओगी, मत जाओ, आगे भी बहुत सारा यात्रा करना है, ट्रिप खराब हो जाएगा। कहे कि नहीं, कोई ट्रिप खराब नहीं होगा, मैं कॉलेज भी चले जाऊँगी, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे लेकर के चलो, और बाई चांस कुछ हो भी गया तो मैं दवाई ले लूँगी, मैं ठीक हो जाऊँगी तुरंत। अब जी क्या कर सकते हैं, अब जब इसने जी ठान ही रखा था तो हमने कहा चलो फिर। A few moments later. जी हम बैठ गए हैं बस में, तो हम यहाँ से जा रहे हैं पूर्णिया और पूर्णिया से जाएंगे आलमनगर। और हाँ जी, आप में से बहुत लोग पूछते थे कि माँ किस शहर में जॉब करती है, तो अभी तक आपको नहीं बताया था प्राइवेसी और सिक्योरिटी इशू की वजह से, क्योंकि अब माँ उस जॉब से रिटायर होने वाली है। तो सोचा कि अब आपको बता ही देते हैं कि माँ कहाँ जॉब करती थी। हाँ, आलमनगर में जॉब करती थी, आलमनगर में पोस्टेड थी। माँ के बारे में बहुत कोई पूछा करते थे कि माँ किस पोस्ट पर है, क्या करती है, तो बस आपको इतना बोला करता था कि माँ जो है बिहार गवर्नमेंट में गजेटेड ऑफिसर है। तो आज मैं आपको एग्जैक्ट पोस्ट बता देता हूँ। मेरी माँ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर है, आज तक तो है ही, बोलेंगे आज ही रिटायर हो रही है माँ। उससे पहले मेरी माँ शिक्षिका थी, शिक्षिका के बाद हेडमास्टर बनी, और हेडमास्टर बनने के बाद बन गई बीओ। जैसे ही वहाँ बीओ बनी, उनका तबादला हो गया। पहले वह रानी पत्रा स्कूल में पोस्टेड थी, वहाँ पर जब वो हेडमास्टर थी, उससे पहले जब वो टीचर थी, जब वो कोलासी में पोस्टेड थी, एक जगह है कोलासी। जो भी कटिहार के होंगे उनको यह सब जगह के बारे में मालूम होगा, बाकी हो सकता है नहीं मालूम हो, तो बस बता देते हैं जी। हम पहुंच गए हैं पूर्णिया, और पूर्णिया में हम एक नए बस में आए हैं और यहां से हम लोग आलमनगर निकलेंगे। और इस बस का कुछ हाल कैसा है वो आपको दिखा देते हैं। जी आके पीछे देखिए, यहां खिड़की गायब है, इसमें यह बोरा लगा हुआ है। और इधर देखिए, इधर का भी यह हाल है खिड़की का। भला था जो सीट खाली था, हम लोग यहाँ करके बैठ गए हैं, इधर कम से कम ठंड हवा नहीं आएगी। मुझे लग रहा है जो भी इस सीट के पीछे रहेंगे उनका क्या हालत होगा। अभी तक तो कोई भी सवारी लग नहीं रहेगी, ज्यादा है हम ही लोग हैं और कुछ दो तीन लोग हैं रुमाल छेक करके अपना गए हुए हैं। आप रिजर्वेशन का ही तरीका है, एकदम शानदार तरीका, सीधा रुमाल वहाँ रख दो, हो गया मेरा। 20 मिनट्स लेटर। जाओ अंदर, चलिए भैया निकलिए। जी हम लोग उस बस से उतर कर नई गाड़ी ही रिजर्व कर लिए हैं। असल में सीन ये था, माँ ने कहा कि अगर बस से आओगे तो पहुँचते पहुँचते दो बज जाएगा, तब तक तो सारा प्रोग्राम ही खत्म हो जाएगा। तो हमने सोचा वहाँ चले भी जाए और वो जिस चीज़ के लिए जा रहे हैं वो देख भी ना पाए, तो इससे अच्छा है कि अपना गाड़ी ही रिजर्व कर लो। अभी गाड़ी थी पेट्रोल पंप पर रुकी है, कुछ तेल भरवाना था। जिया की लग रहा है नींद पूरी नहीं हुई है। कोई नहीं, रात में 12:30 बजे सोई, सुबह उठ गए। ट्रिप पर निकलना है, ऐसा सही रूटीन है, नहीं सोना जरूरी है। और जी यहाँ पर ड्राइवर साहब जो है हमारा व्लॉग देख रहे हैं, जब उन्होंने देखा कि मोबाइल से शूट कर रहे हैं तो उन्होंने पूछा कि क्या शूट कर रहे हो, तो हमने बताया कि जी हम यूट्यूबर हैं, यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं। तो उन्होंने कहा कि अपने चैनल का नाम बताइए, तो चैनल का नाम बताया और वो पूरी जर्नी हमारी ही वीडियो देखते चले गए।
A few moments later. ये भूख लग गई थी, कुछ यहाँ पर खाने के लिए ले लिया है सामान और अब चलते हैं अंदर। तो जी हमारी तो बस पेट पूजा करने के बाद लग रहा है कि थोड़ा सा जान में जाना है। हर जिया महारानी आराम से सोई हुई है, बेफिकर, कोई दिक्कत नहीं। तो जिया की जर्नी ऐसे ही हमेशा कट जाती है आराम से, कहीं भी जाएगी, किसी भी गाड़ी में जाएगी, आराम से सो जाती है। फिर जी कुछ देर यात्रा करने के बाद हम लोग पहुंच गए माँ के ऑफिस। जी माँ जो यहाँ पर है, जो भी ऑफिशियल प्रोसेस होता है रिटायरमेंट से पहले, वो अपना सारा कार्यभार ट्रांसफर कर रही है और माँ को विदाई देने के लिए इतने सारे लोग बाहर जमा थे, पूछिए मत। काफ़ी अच्छा लग रहा था और हमें काफ़ी प्राउड फील हो रहा था कि हम उस महिला के बेटे हैं जिस महिला को उनका पूरा विभाग, वहाँ पर जितने भी समाज थे जहाँ पर माँ काम कर रही थी, उन सभी के द्वारा इतना इज्जत दिया जा रहा है। जी माँ के ऑफिस में मैं तो आज पहली बार आया, और सोचिए वो भी मैं तब आ रहा हूँ जब आज माँ का आखिरी दिन है ऑफिस में। और मैंने वहाँ पर जो भी लोग थे उनसे बात भी की और माँ के बारे में कुछ पूछा भी, तो कई सारी अच्छी बातें माँ के बारे में सुनने को मिली। कोई कह रहे थे कि माँ काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन थी अपने काम में, और सबसे ज़्यादा जो मुझे माँ के बारे में सुनने को मिला कि इन्हें एक पैसे का लोभ नहीं, और काफ़ी ज़्यादा दयालु, काफ़ी ज़्यादा डाउन टू अर्थ माँ है, और अपने हाथ से जितनों का भी भला कर सकती थी माँ ने हर संभव तरीके से उनका भला किया। और जी बात करते करते तो बताना ही भूल गया, यहाँ देखिए जीप में माँ बैठ गई है, माँ की विदाई के लिए एक जुलूस भी निकाला गया था, और यहाँ देख रहे होंगे हमें और जिया को, तो हम और जिया भी यहाँ बैठे हुए हैं और मैं यहाँ पर कैमरा लेकर के, मोबाइल लेकर के सारी फ़ोटो खींच रहा हूँ, जितने पल को मैं कैप्चर कर सकता था हर पल कैप्चर कर रहा था, क्योंकि यह एक काफ़ी यादगार क्षण था। और हमें भी काफी प्राउड फील हो रहा है कि हम इस माँ के बेटे हैं, और इतनी इज्जत, वो भी यहाँ आ रहे हैं, इतनी इज्जत दे रहे हैं, भी सेल्फी ले रहे हैं। निकल गए बीआरसी से कला भवन की, और यहाँ पे आप माँ को देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा भावुक हो गई थी, और यहाँ पे सारे लोग मिलने भी आ रहे थे। तो आज माँ का आखिरी दिन था यहाँ पे, तो सब कोई थोड़े से भावुक भी हो गए थे, माँ भी बहुत ज़्यादा भावुक हो गई थी। जो भी रोड साइड मिल रहे थे सब माँ को इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहे थे, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। जी इस वीडियो में हम आपको तो पूरा नहीं दिखा सकते जो भी कार्यक्रम हुआ था, आगे का जो भी कार्यक्रम होगा वो हम आपको अगले ब्लॉग में दिखाएंगे, क्योंकि यह ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और अगला ब्लॉग जो है और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वहाँ पर जो माँ के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, एक प्रॉपर विदाई समारोह, इतना भावुक क्षण था ना कि पूछिए मत। तो जी आप लोग चैनल से जुड़े रहिए, और जो भी अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि इस ब्लॉग का जब भी दूसरा पार्ट आएगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप इस ब्लॉग को मिस नहीं करेंगे।